हेलो फ्रेंड्स, सुधीर सहनी ट्यूटोरियल में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम 2018 में जो अकाउंट्स का पेपर हुआ है उसके सॉल्यूशन के साथ आपके सामने आए हैं। हम आपको 2018 का अकाउंट्स का पेपर का सेट नंबर 1 का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे और देखिए आप अपने आंसर मैच कर सकते हैं आप लोग। तो हम ये सॉल्यूशन आपको दिखा रहे हैं सेट नंबर 1 का। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन जो है पार्टनरशिप से है। इसमें बोला गया कि अमित और बीना पार्टनर्स हैं और वो 3:1 की रेशियो में बांटते हैं। चमन एडमिट हुए हैं 1/6 के लिए, जिसका 2/5 शेयर वो अमित से लेता है। तो दोस्तों, अपने शेयर का 2/5 शेयर वो यदि अमित से लेता है तो बाकी कितना बच गया शेयर? 3/5 शेयर। कितना शेयर बच गया? 3/5 शेयर। अपने शेयर का 3/5 शेयर यानी कि 1/6 का 3/5 शेयर वो 3/30 यानी 1/10 वो किससे लेगा? वो बीना से लेगा। ये आपका आंसर है 1/10। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी पार्टनरशिप से है। इसमें दिया गया है कि नीतू मीतू और टीटू पार्टनर है और मीतू रिटायर हो रही है और रिटायरमेंट पर गुडविल की वैल्यू 4,20,000 रुपये दी गई है। तो कह रहा है आपको कि आप एंट्री पास करके दिखाइए जो रिटायरमेंट पे, मीतू के रिटायरमेंट पे। तो दोस्तों देखो क्या है, मीतू रिटायर हुई है, गुडविल फर्म की कितनी है? 4,20,000 रुपये। तो इसमें मीतू का शेयर कितना हो गया? 1/3 यानी कि 1,40,000 रुपये। दोस्तों रेशो इस क्वेश्चन में जो है रेशो आपको दी नहीं, तो इसका मतलब पार्टनरशिप में रेशो नहीं गिवन हो तो क्या होती है? इक्वल होती है। और रिटायरमेंट के बाद जो गेनिंग रेशो आएगी वो भी क्या आएगी? इक्वल आएगी। तो आप नीतू और मीतू की गेनिंग रेशो इक्वल मानते हुए एंट्री पास करेंगे गेनर टू लूजर, यानी कि नीतू कैपिटल डेबिट, टीटू कैपिटल डेबिट टू मीतूज कैपिटल। मीतू को उसका शेयर 1,40,000 रुपये जो निकाला है वो दे दीजिए और 1:1 की रेशो बांटेंगे तो ये दोनों डेबिट हो जाएंगे 70,000 और 70,000 रुपये से। दोस्तों अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में कि डिस्टिंग्विश बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑन द बेसिस ऑफ सेटलमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। देखो हमें पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन और पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन में डिफरेंस करना है। तो ध्यान रखो, जब असेट्स और लायबिलिटीज रीवैल्यूड की जाती हैं, जब यदि पार्टनरशिप का खाली डिसोल्यूशन होता है यानी कभी डेथ हो, रिटायरमेंट हो, एडमिशन हो, तो असेट्स और लायबिलिटी खाली रीवैल्यूड की जाती हैं। लेकिन जब हम फर्म का ही डिसोल्यूशन कर रहे हैं, फर्म ही बंद हो रही है, तो हम असेट्स और लायबिलिटी को रियलाइज यानी बेचते हैं, ना कि उनको रीवैल्यूड करते हैं। तो ये डिफरेंस आपको लिखना है भाइयों। अब आ जाइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में। रितेश और हितेश बचपन से दोस्त हैं। रितेश एक कंसल्टेंट है जबकि हितेश एक आर्किटेक्ट है। उन्होंने इक्वल अमाउंट करके इन्वेस्ट करके एक बिल्डिंग खरीद 2 करोड़ की और कुछ टाइम बाद इसको 3 करोड़ में बेच दिया और प्रॉफिट को इक्वली बांट दिया। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या ये पार्टनर है? तो दोस्तों बिल्कुल भी पार्टनर नहीं है। क्यों? ये खाली को वेंचरर है। ये खाली क्या है? को वेंचरर। अपना वेंचर पूरा हुआ, अपना काम खत्म। और यहाँ पर कोई म्यूचुअल एजेंसी भी नहीं है पार्टनर के बीच में। रितेश और रितेश के बीच में कोई म्यूचुअल एजेंसी नहीं है। ये कोई ऐसा रेगुलर बिजनेस नहीं करते कि इसको खरीदते हैं बेचते हैं, भाई इन्होंने एक बार ले ली और बेच दी, काम खत्म। इसलिए पार्टनर नहीं है। दोस्तों आ जाओ 5वें क्वेश्चन पे। तो इज रिजर्व कैपिटल अ पार्ट ऑफ अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल और अनकॉल्ड कैपिटल? तो दोस्तों पहले हमें पता होना चाहिए कि रिजर्व कैपिटल क्या होता है। ये वो कैपिटल होती है अनकॉल्ड, जिसे खाली कंपनी वाइंडिंग अप यानी कंपनी जब बंद हो रही है तब मंगवाई जाएगी। तो इसलिए ये एक अनकॉल्ड कैपिटल का पार्ट है, ना कि अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द मीनिंग ऑफ डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। देखिए इसका मतलब है इश्यू डिबेंचर बाय अ कंपनी एज एन एडिशनल सिक्योरिटी फॉर बोरिंग अ लोन फ्रॉम बैंक और एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। देखो बैंकों को क्या चाहिए कि भैया सिक्योरिटी जो आपने दी है उसके अलावा कुछ एडिशनल सिक्योरिटी दो, ताकि यदि कोई डिफॉल्ट कंपनी करती है तो उसके डिबेंचर से कंपनी वो पैसा जो बैंक ने लोन दिया वो पैसा रिकवर कर पाए। तो ये एक एडिशनल सिक्योरिटी है ताकि सपोर्ट सिक्योरिटी टू द लेंडर इन केस ऑफ डिफॉल्ट रीपेमेंट ऑफ ओरिजिनल लोन। यदि ओरिजिनल लोन का डिफॉल्ट करती है कोई कंपनी तो कंपनी जो बैंक है उसके डिबेंचर से वो पैसा रिकवर कर सकती है, क्योंकि डिबेंचर एक सिक्योर्ड लोन माना जाता है। ठीक है जी फ्रेंड्स, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। इसमें जयंत, कार्तिक और लीना पार्टनर है जो 5:2:3 की रेशियो में बांटते हैं। कार्तिक मर जाता है और लीना और जयंत और लीना ने डिसाइड किया कि वो अब बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे और उनका गेनिंग रेशियो गिवन है। देखिए कार्तिक मरा है, उसका शेयर है 2/10। कितना शेयर है? 2/10। उसको वो इस रेशियो में गेन कर रहे हैं यानी 2/10 का 2/5 वो लेता है। कौन लेता है? जयंत लेता है। और लीना कितना लेती है? 2/10 का
3/5 यानी कि 4/50 लिया जयंत ने और लीना ने लिया 6/50। तो देखिए न्यू रेशो क्या आ जाएगा, जयंत के पास पहले से ही है 5/10, 4/50 ले लिया, ये आ गया 29/50, और लीना के पास पहले से था 3/10 और 6/50 उसने लिया, तो इसका न्यू रेशो आ गया 21/50। तो फ्रेंड्स न्यू रेशो आ गई 29:21। ठीक है दोस्तों, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये थ्योरी का क्वेश्चन है, कंपनी से आया कि व्हाट इज मीन बाय शेयर एंड गिव एनी टू डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। तो फ्रेंड शेयर क्या होता है, शेयर एक यूनिट होती है ऑनरशिप की जो रिप्रेजेंट करती है इक्वल प्रपोर्शन ऑफ अ कंपनी कैपिटल। एक्चुअली कंपनी की जो कैपिटल है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है यूनिट्स में, दैट्स कॉल्ड शेयर। और हमें अब डिफरेंस देने हैं इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में, तो दो पॉइंट्स पूछे हैं, तो आप बेसिस के हिसाब से दे सकते हैं राइट ऑफ डिविडेंड। ध्यान रखना इक्विटी शेयर को कोई राइट नहीं होता डिविडेंड रिसीव करने का जब तक प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड नहीं बटा, जबकि प्रेफरेंस शेयर के पास राइट है डिविडेंड रिसीव करने का फिक्स रेट से, किससे पहले, इक्विटी को डिविडेंड देने से पहले। दूसरा पॉइंट आप क्या कर सकते हैं, इक्विटी शेयर को कभी भी आप प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो जो बेसिस होगा वो होगा कन्वर्जन, लेकिन प्रेफरेंस शेयर को आप इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9th क्वेश्चन देखिए, कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में पूछा है कि भाई एनके लिमिटेड एक ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और जिसकी ऑथराइज कैपिटल 1 करोड़ पे है और 100 रुपये का एक शेयर है और सब्सक्राइब्ड और पेड अप कैपिटल कंपनी की पहले से 50 लाख रुपए है। कंपनी ने डिसाइड किया कि टेक्निकल स्कूल जवाहरलाल झलावर डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान में है कि ताकि स्पेशली जो है एबल्ड चिल्ड्रन को ट्रेन किया जा सके और उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए वो प्रोडक्शन यूनिट वहाँ बनाना चाहती है, तो इसके लिए उसको पैसे की जरूरत है। तो कंपनी ने 20,000 शेयर और इशू कर दिए और जो सब्सक्राइब और पेड अप हो गए आपको कह रहे हैं बैलेंस शीट बनाइए। तो देखो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं सॉल्यूशन में ऑथराइज कैपिटल में आप कितने दिखाएंगे शेयर, पहले से कितने शेयर है 1 लाख शेयर है 100 रुपये का ईच, 1 करोड़ पहले दे रखा है ऑथराइज, मतलब इससे कंपनी रजिस्टर्ड है, इससे ऊपर कभी शेयर कैपिटल जा नहीं सकती। इशूड शेयर कैपिटल ये आप नोट्स टू अकाउंट से बनाएंगे, 50,000 एग्जिस्टिंग शेयर हैं जो कि 50 लाख के हैं, 20,000 अभी नए इशू किए हैं 20 लाख के, तो टोटल कितने हो गए 70 लाख। देखिए मेन जो हम टोटलिंग करते हैं, इनकी टोटलिंग करते हैं नहीं, हम करते हैं सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, तो टोटल जो है 70,000 इक्विटी शेयर हो गए, 50,000 पहले और 20,000 अब, तो 70,000 10 रुपये 70 लाख। ये आप दिखा देंगे अपने हेडिंग में इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अंदर, शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल में, करंट ईयर में 70 लाख और प्रीवियस ईयर जरूर दिखाइए 50,000, तो आधा नंबर टीचर काट सकता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9th में कुछ वैल्यूज भी पूछी थी आपसे, तो दो वैल्यूज पूछिए तो आप बता सकते हैं कि कंसर्न फॉर स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन के लिए कंसर्न किया जा रहा है और उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी दी जा रही है, इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है, तो ये वैल्यूज आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th में देखिए डिवेंचर का क्वेश्चन है, साफ साफ दे रखा है नरेशन में दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक से भरना है कि भाई 500 डिवेंचर 9% 100 रुपये वाला 97 में खरीदा, तो आप 500 को 97 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 48,500 रुपये का ये डिवेंचर खरीदा है, ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, नरेशन में लिख सकते हैं आप सेम टू सेम। और फिर इसे कैंसिल करने के लिए खरीदा है तो 9% डिवेंचर उसकी फेस वैल्यू 50,000 रुपये, ऑन डिवेंचर वही 48,500 रुपये, 50,000 का सामान 48,500 में खरीदोगे तो जो आपको गेन हुआ कैंसिलेशन और 1,500 रुपये का हुआ, और इस 1,500 रुपये को आप कैपिटल सम में ट्रांसफर करने की तीसरी एंट्री पास कर देंगे तो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11th में। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया हुआ है, पार्टनरशिप के ऊपर क्वेश्चन है, एक नया पॉइंट इसके अंदर ऐड किया हुआ है, कह रहे हैं कि बनवारी गिरधारी और मुरारी 3 पार्टनर हैं, 4, 5, 6 के रेशो में बांटते हैं, 31 मार्च 2014 को गिरधारी जो है रिटायर हो रहा है और उस डेट पर कैपिटल जो बनवारी गिरधारी और मुरारी की जो है एडजस्टमेंट से पहले 2,00,000, 1,00,000 और 50,000 रुपये है, ठीक है जी। और गिरधारी के रिटायरमेंट पे गुडविल फर्म की कितनी 1,14,000 और रिवोल्यूशन करने पर प्रॉफिट जो आया 6,000 रुपये का है, जनरल रिजर्व बुक्स में 30,000 रुपये है और जो अमाउंट कह रहे हैं गिरधारी को जो देना है उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और इसको बनवारी और मुरारी जो बच गए पार्टनर वो कह रहे हैं कि तुझे जो पैसे देंगे वो 2 ईयरली इंस्टॉलमेंट देंगे 75,000 रुपये की। और यहाँ पर एक बात ये नोटिस कीजिए, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट बोला है, यानी टोटल पेमेंट ही 75 देंगे, उसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड होगा 10% पर एनम ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस पहले 2 सालों में, और जो बाकी बच जाएगा
वो थर्ड ईयर में ब्याज समेत निकाल कर दे देंगे और बुक जो है 31 मार्च को खत्म होती है। तो हम सबसे पहले दोस्तों ये देख लेते हैं कि जो गिरदारी रिटायर हो रहा है उसकी कैपिटल कितने पैसे देने हैं, 1,00,000 रुपये। उसका गुडविल का शेयर कितना देना है, 1,14,000 रुपये गुडविल है, उसका हिस्सा है 5/15, आप देख सकते हो ये हो गया 38,000 रुपये। रिवोल्यूशन प्रॉफिट में उसका हिस्सा 6,000 का 5/15, 2,000 रुपये। जर्नलिज्म में उसका हिस्सा 10,000 रुपये। टोटल इस तरीके से 1,50,000 रुपये देने हैं। 1,50,000 रुपये आप जब इसका लोन अकाउंट बनाएंगे तो 1,50,000 रुपये आप यहाँ पर यहाँ गिरदारी कैपिटल से लोन में आ जाएंगे। पूरे साल का इंटरेस्ट लगाइए 1,50,000 पर 10% कितना हो गया, 15,000 रुपये। अब आपने जो पेमेंट देनी है एक साल बाद यानी 31 मार्च 2015 को, वो आप 75,000 देंगे, ये इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है। कभी कभी दोस्तों क्वेश्चन में लिखा होता है टुगेदर विद इंटरेस्ट कि इसके साथ इंटरेस्ट जोड़ना है, मगर इसमें लिखा है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, तो आपको इंटरेस्ट अलग से नहीं जोड़ना। बाकी बैलेंस निकाल दीजिए 90,000, बैलेंस यहाँ पर आ गया 90,000 रुपये। अब आप इस पर इंटरेस्ट लगाइए एक साल बाद 90,000 का 10%, 9,000। अब आप फिर जो पेमेंट देंगे वो 75,000 देंगे, बैलेंस कितना बच गया, 24,000 रुपये। 99,000 में से माइनस करेंगे कितना बच गया, 24। कैसे 24 बचा, पहला 15 इंटरेस्ट का, दूसरा 9, ये वो बैलेंस चल रहा है 24,000। अब 31 मार्च 2017 एक साल बाद इस 24,000 पे 10% ब्याज लगाइए कितना आया, 2,400। अब ये टोटल पेमेंट आप दे दीजिए, क्या दे दीजिए, 24,000 प्लस 2,400 यानी 26,400। इसमें हम आपको ये भी दिखा सकते हैं कि इंटरेस्ट कैसे निकाला हमने। देखिए इंटरेस्ट वैसे आपको साफ पहले दिख ही रहा था कि 1,50,000 रुपये पहले अमाउंट ड्यू था तो 15,000 आया था, दूसरे साल 90,000 था, 9,000 आया, तीसरे साल 24,000 था, तो 24,000 का 2,400 आया। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का क्वेश्चन है एडमिशन के फॉर्म में। कह रहा है कि आशा और अदिति जो है पार्टनर हैं वो 3:2 की रेशियो बांटते हैं, राघव एडमिट हुआ है 1/4 शेयर के लिए और राघव 6,00,000 रुपये तो अपनी कैपिटल ला रहा है और जो भी उसकी गुडविल का हिस्सा बनता है वो कैश में ला रहा है, मगर गुडविल इस क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं है, गुडविल फर्म की जो है वैल्यूएट करनी पड़ेगी आपको। और लिखा है 2 ईयर परचेज एवरेज प्रॉफिट, आपको देखो 4 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं और मगर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि मैनेजमेंट कॉस्ट को कवर करने के लिए एनुअल चार्ज 56,250 रुपये हर साल लगाना है और क्लोजिंग स्टॉक कह रहे हैं 31 मार्च 2017 जो कि इस साल के अंदर आता है लास्ट में, वो कह रहा है बड़ा हुआ है 15,000 से। तो देखो दोस्तों क्या करोगे आप इसमें क्या कीजिए, एडजस्टेड प्रॉफिट निकालिए। आपको बुक में जो प्रॉफिट गिवन है वो ठीक नहीं है, एडजस्ट करने हैं। तो 4 साल के प्रॉफिट आपको 3,50,000, 4,75,000, 6,70,000 और ये 4,45,000 दिए हैं। आप सबसे पहले तो हर साल की मैनेजमेंट कॉस्ट जो एनुअल बोल रखी है क्वेश्चन में, देखो आपको एनुअल बोल रखी है, मेंटेनेंस कॉस्ट एनुअल बोल रखी है, हर एक में माइनस कर दीजिए, ये फिगर्स आपकी आ जाएंगी। इसके बाद जिस साल का भी क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा है उस साल का प्रॉफिट बढ़ के आएगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लेते हैं और क्रेडिट साइड पर कोई आइटम ज़्यादा लेने से प्रॉफिट बढ़ा हुआ आता है, तो ठीक करने के लिए आपको उसको माइनस करना पड़ेगा खाली इसी साल। तो आप ये इस साल माइनस करेंगे तो ये फिगर्स आ जाएंगी। अब आप क्या कीजिए, इनका एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए, इन चारों को जोड़ के 4 से डिवाइड कर लीजिए, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर 20,00,000 आती है। 4 से डिवाइड करने में 5,00,000 आ गया, गुडविल 2 ईयर परचेज है यानी गुडविल 10,00,000 आ गई। और देखिए राघव का हमने शेयर निकालना है, राघव जो है 1/4 शेयर के लिए एडमिट हुआ है, तो 1/4 शेयर का मतलब उसका हिस्सा हो गया 2,50,000। अब आप ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में क्या करेंगे, आप इसकी जनरल एंट्री बनाने के लिए बोला है तो कैश टू राघव कैपिटल, वो 6,00,000 तो कैपिटल के लाया और प्रीमियम फॉर गुडविल के कितने लाए, 2,50,000। तो टोटल कितने पैसे लेके आए, 8,50,000 रुपये। इसमें से आप प्रीमियम फॉर गुडविल 2,50,000 रुपये उनकी सेक्रीफाइजिंग रेशो में बांट दीजिए। क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है तो ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइजिंग रेशो होगी, 3:2 सेक्रीफाइजिंग रेशो है, इसको 3:2 को में बांटेंगे आप 2,50,000 रुपये को, तो 1,50,000, 1,00,000 आ जाएगा, क्वेश्चन फिनिश हो जाता आपका। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 पे, जो कि आपका क्वेश्चन जो है वो डेथ के ऊपर क्वेश्चन आया है। कह रहे प्रणव और करण और रहीम 3 पार्टनर है, 2:2:1, उनकी बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च को, ये बैलेंस शीट दे रखी है, इसमें एक जनरल रिजर्व दे रखा है एक्युमुलेटेड प्रॉफिट की फॉर्म में। और करण 12 जून को, देखिए डेट कैसी अजीब सी दी है, 12 जून 31 मार्च के बाद 12 जून आपको डेज गिनने पड़ेंगे, अप्रैल के 30 दिन, मई के 31 दिन और जून के 12 दिन, ये मिला के 73 डेज, मतलब 73 दिनों के बाद मर जाता है। और उसको ये देना है, एक तो उसकी कैपिटल देनी है करण को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 12%, गुडविल देनी है फर्म, गुडविल की जो गुडविल जो फर्म है वो 60,000 पर, पूरे फर्म की गुडविल लेना कि उसका शेयर है, और प्रॉफिट देना है लास्ट ईयर के बेसिस पर, लास्ट ईयर का प्रॉफिट 5,00,000 रुपये। तो कह रहा है आप उसका करण का कैपिटल अकाउंट बनाओ जो उसकी रिप्रेजेंटेटिव को देना है हमें। तो देखिए ये देखिए
हमने सबसे पहले इस करंट का कैपिटल अकाउंट बनाया, उसका बैलेंस दिया 2 लाख रुपए, उसकी कैपिटल करंट का देख लीजिए आप, 2 लाख रुपए कैपिटल दे दिया। जर्नलिज्म में उसका हिस्सा दे 1.5 लाख का, करंट का हिस्सा कितना है 2/5, ये दे दिया अपना 60,000 रुपये। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने यहाँ आप निकाल के दिखा दिया, देखिए करंट का जो है 2 लाख की कैपिटल है, 12% 73 दिन का, साल में कितने दिन होते हैं 365 दिन, कितने 365, तो जब 73/365 करेंगे तो सीधा 1/5 आ जाता है, तो 1/5 आप ये निकालेंगे तो ये कैलकुलेट होगा 4800 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन जाता है। ठीक है, गुडविल देखो 60,000 दे रखी है, तो करंट का शेयर इसमें हिस्सा कितना हो गया 2/5, 24,000। अब इसमें भी रेशो नहीं दी रखी, तो 2:1 की रेशो जो है करण को हटाने के बाद 2:1, तो आप देखिए गेनिंग रेशो में बात कर रहा था, तो गेनिंग रेशो नहीं दे रखी तो जो बच जाती है 2:1। करण रिटायर हुआ तो प्रणव और रहीम, यदि आपको न्यू रेशो दे रखी है तो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ 2:1 है, तो आप इसमें गुडविल का ट्रीटमेंट क्या करते हैं, गेनर टू लूजर, क्या एंट्री करते हैं गेनर टू लूजर। तो कौन कौन बचा है, प्रणव डेबिट, रहीम डेबिट टू करण, तो करण के क्रेडिट साइड में आप प्रणव और रहीम के नाम से 2:1 की रेशियो में 24,000 को बांटेंगे, तो 16,000 8,000। हाँ जी, अब प्रॉफिट देख लीजिए, लास्ट साल का प्रॉफिट 5 लाख रुपए है, तो उसके प्रॉफिट का हिस्सा कितना होगा करण का, 5 लाख में उसका हिस्सा कितना है 2/5, लेकिन उसने 73 दिन ही काम किया, 73/365 40,000 पे प्रॉफिट किस नाम से बांटते हैं, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट, तो ये आप टोटल करते हैं तो 32,03,28,800 रुपये आता है, और ये बैलेंस आप जो है करण के एग्जीक्यूटर को ट्रांसफर कर देंगे। क्वेश्चन यहाँ फिनिश हो जाता है। हाँ तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, ये क्वेश्चन देखो दोस्तों एडमिशन का क्वेश्चन है पार्टनरशिप में, इसमें कह रहे हैं चंदर और दामिनी पार्टनर हैं और वो इक्वली बांटते हैं। 31 मार्च को उनकी बैलेंस शीट ये दी हुई है, और इसमें देखो उनकी कैपिटल दी हुई है, ये सब दिया हुआ है, और 1 अप्रैल को उन्होंने एलिना को एडमिट कर लिया 1/3 शेयर के लिए। अब देखो यहाँ साफ लिखा हुआ है एलिना 3 लाख रुपये अपनी कैपिटल ला रही है और 50,000 रुपये अपना ही शेयर गुडविल का ला रही है, जिसका आधा वो विड्रॉ भी कर लेंगे, कौन चंदर और दामिनी। अब कह रहा है डेटर 5,000 रुपये के अनरिकॉर्डेड हैं जी, जो रिकॉर्ड ही नहीं हुए, ठीक है जी। फर्नीचर ये सब एडजस्टमेंट दे रखिए, फर्नीचर पे 10% डिविजन, 5% प्रोविजन आपने डाउटफुल डेट बनाना है डेटर पे और बीआर पे, ठीक है जी, बीआर और डेटर दोनों पे। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू जो 20% बढ़ेगी, और एक क्लेम है 8,000 रुपये का लायबिलिटी फॉर डैमेज। आपको खाली रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट बोला है, बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं बोला। तो देखिए सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखिए, फर्नीचर पर आपको कितने परसेंट, देखिए फर्नीचर पर कितने परसेंट, 10%, तो कितना 11,000 का घाटा हो गया, ठीक है जी। बीआर बिल रिसेबल पे आपको 5% बनाना है, 45,000 का 5%, 2,250 का नुकसान हो गया, हमने रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पर दिखा दिया, ठीक है जी। और डेटर कितने के हैं जी, डेटर 75,000 के हैं, 5,000 के अनरिकॉर्डेड है, तो आप फायदा दिखाइए पहले 5,000 का, और अब डेटर जो है 75 के नहीं रहे, 75 और 5 80,000 के हो गए, तो उस पर 5% जो डाउट है, 75 5 80 80 पे 5%, 4,000 रुपये का आप दिखाएंगे। और जो ये डैमेजेस फॉर लाइबिलिटीज हैं 8,000 रुपये की, इसने क्वेश्चन ने बोली रखा है। और लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 20% बढ़नी है, यानी कि आपकी जो दे रखी है 3,10,000 का 20.62,000, तो इस तरीके से आप रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकाल सकते हैं। आपका प्रॉफिट जो आ गया 41,750 आ गया, इक्वल रेशियो में आप बांटते हैं तो 20,875 रुपये आप अपना प्रॉफिट निकाल देंगे। अब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे, आप बैलेंस डालिए, बैलेंस दे रखे हैं 2,16,000 किसके, चंदर और दामिनी के, ये जितनी कैपिटल लाई है यहाँ पर आप पोस्टिंग कीजिए क्रेडिट साइड पे। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट डालिए 20,875 20,875, और प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेके आ रही है, वो जो नई पार्टनर है अलीना कितना लेके आ रही है जी प्रीमियम फॉर गुडविल, अपना दे रखा है क्वेश्चन में 50,000 रुपये, तो 25,000 रुपये, क्योंकि इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशो वही रहेगी 1:1, क्योंकि कोई भी चेंज क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, तो ओल्ड रेशो ही 25,000, जिसका आधा आधा विड्रॉ भी कर लिया है, ये साफ लिखा हुआ था हाफ ऑफ विच विल विड्रॉन बाय चंदर एंड दामिनी, 12.5 विड्रॉ कर लिया। अब आप ऐसे बैलेंस करके निकाल लीजिए, आपके जो बैलेंसिंग जो है ये आ जाएंगे, जो आंसर है फाइनल पार्टनर्स कैपिटल के चंदर के 2,83,375, दामिनी का है 2,49,375, और अलीना का फाइनल आंसर है 3 लाख, आप अपना मैच कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है जी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। देखिए ये दोस्तों क्वेश्चन जो है आपका डिबेंचर का क्वेश्चन है, रिडम्पशन का क्वेश्चन है। कंपनी कहती है कि 1 अप्रैल 2014 को केके लिमिटेड ने एप्लीकेशन जो है 5,010% डिबेंचर जो 1,000 रुपये का एक है डिस्काउंट पर इशू किया है। ये डिबेंचर आपको थर्ड साल के एंड में रिडीम करना है, वो भी 10% प्रीमियम एक्स्ट्रा पैसे लौटाने हैं, तो लॉस है मतलब कंपनी को।
ठीक है जी। एप्लीकेशन 6 हज़ार डिवेंचर की आई, इशू 5 हज़ार करने 6 हज़ार की आई है, और जो डिवेंचर है वो प्रो राटा बेसिस पे दिए हैं मैंने, 6 हज़ार को 5 हज़ार दिए हैं, और एक्सेस मनी जो है वो रिफंड कर दी गई है। डायरेक्टर ने कहा कि जो मिनिमम जो भी अमाउंट ट्रांसफर करना है DRR में वो 31 मार्च 2016 को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और 1 अप्रैल को कंपनी इन्वेस्ट भी कर देगी 9% बैंक FD में, जो भी कंपनी 2013 एक्ट के प्रोविजन के अनुसार जो होता है। और टैक्स को जो डिडक्ट करना है, जो भी आपको आपने इन्वेस्टमेंट किया उस पर आपको जो ब्याज मिलेगा उस पर TDS 10% कटेगा। आपको जनरल एंट्री करने के लिए कह रहा है, इशू की करने के लिए कह रहा है, रिडम्पशन की कह रहा है, और आपने इग्नोर कौन सी एंट्री करनी है, राइटिंग ऑफ लॉस जो है उसको राइट ऑफ नहीं करना, और डिवेंचर पे इंटरेस्ट को आपने नहीं दिखाना। तो देखिए एंट्री स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इशू की एंट्री, देखो इशू क्या होगा, हमने कितने डिवेंचर इशू किए हैं, एप्लीकेशन 6000 की आई है, और आपने किस रेट से 6% डिस्काउंट, 1000 का 6% मतलब कि 60 रुपये कम हो गए, 940 रुपये मल्टीप्लाई करोगे, ये 56,40,000 डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट 56,40,000 टू डिवेंचर, डिवेंचर जो है वो 50,00,000 रुपये के हैं, आपको 10% प्रीमियम देना है, यानी जो 50,00,000 रुपये के डिवेंचर है इसका 10% तो आपको प्रीमियम लौटाना है, तो आप जो इसके रिस्पेक्ट में जो प्रीमियम और रिडम्पशन डिवेंचर कितना करेंगे, 5,00,000 रुपये, और साथ ही साथ जो आपको जो लॉस हुआ है वो कितना हुआ है, यहाँ पर 3,00,000 रुपये का लॉस आपको डिस्काउंट का हुआ है, आपके 5,000 शेयर थे, 60 रुपये का डिस्काउंट, 3,00,000 रुपये का लॉस वो, और 5,00,000 रुपये का ये, तो टोटल अमाउंट को 8,00,000 लॉस में दिखाएंगे, तो एंट्री मैच हो जाएगी आपकी, ठीक है। और आपने जो एप्लीकेशन 1,000 शेयर की एक्स्ट्रा आई है, क्योंकि कंपनी ने 5,000 इशू करने थे, 6,000 की एप्लीकेशन आई है, तो 1,000 का जो कंपनी ने पैसा रिसीव किया 940 रुपये का सॉरी, वो आप वापस कर दीजिए बैंक के नाम से, ठीक है दोस्तों। आगे देखो, देखते हैं, अब कंपनी ने 31 मार्च 2016 को इसमें रिजर्व 25% रिजर्व, आपको बताया सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बनाना होता है, तो जो 50,00,000 का 25% 12,50,000 रुपये आप DRR में बना लीजिए, सरप्लस दैट इज बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ PNL के नाम से DRR बना लीजिए। 1 अप्रैल को कंपनी ने डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट जो 9% FD है उसमें इन्वेस्ट करना, आपको पता है 15% पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं, 5,00,000 का 15% 7,50,000 रुपये इन्वेस्ट कर दीजिए। अब देखो दोस्तों, यहाँ बात आती है, जब ब्याज आपको 1 साल बाद जब भी रिडम्पशन की डेट आएगी उससे पहले आप इन्वेस्टमेंट बेचेंगे, तो आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बेचिए। देखिए इन्वेस्टमेंट बेचने के लिए जो मैंने अमाउंट आपको यहाँ निकाल के दिखा रखा है कि जो अमाउंट कैसे आया, इधर देखिए, जब आप इन्वेस्टमेंट बेचेंगे तो आपको इंटरेस्ट ऑन FD भी मिलेगा, आपको मिलेगा 7,50,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किया, 9% कितना होता है 67,500, मगर उसमें TDS कटेगा, कितना कटेगा 10% लिखा हुआ, 10% TDS काटना है, 10% कट गया, ये पैसे बच गए 7,750। जब इन्वेस्टमेंट 7,50,000 की बेचोगे वो इसमें जोड़ोगे तो 8,10,750 रुपये, तो देखो एंट्री यहाँ मैच कर सकते हैं, 8,10,750। ये जो आपने TDS ये 6,750 कटवाया, ये इनकम टैक्स है आपका जो आप पे कर रहे हैं, तो आप ये डेबिट करेंगे इनकम टैक्स पेड के नाम से। और जो आपकी FD यानी जो आपका डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट गया, क्योंकि चला गया बेच दिया 7,50,000 का, और जो इंटरेस्ट है आपका इनकम है, ये इनकम है, तो इनकम को क्या करते हैं क्रेडिट करते हैं, 67,500 रुपये आपकी इनकम आप क्रेडिट कर देंगे। अब आप क्या करेंगे, इसको ड्यू कर दीजिए रिडम्पशन के लिए, 10% डिवेंचर डेबिट 50,00,000, और आपको पता है 10% प्रीमियम पे रिडीम करना है, प्रीमियम और रिडम्पशन डिवेंचर डेबिट 5,00,000, टोटल डिवेंचर होल्डर को 55,00,000। आगे आप ये 55,00,000 रुपये की पेमेंट उनको कर दीजिए, किसको, डिवेंचर होल्डर को, डिवेंचर होल्डर डेबिट 55,00,000 टू बैंक 55,00,000, और लास्ट में रिडम्पशन के बाद आपको पता है DRR का जो पैसा होता है वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो हमने 12,50,000 रुपये बनाया था उसको हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, तो क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। तो फ्रेंड्स अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, तो इसमें क्या दे रखा है, ये एक तो इसमें ऑप्शन से 2 क्वेश्चन पूछेंगे आपको, एक करना है, हम दोनों ही कराएंगे आपको। इसमें पार्टनरशिप का क्वेश्चन है डिसोल्यूशन का, इसमें कह रहा है सृजन रमन और मनन 3 पार्टनर है, 2:1 की रेशियो बांटते हैं, बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2017 को, और ये देखो एक्युमुलेटेड लॉस दे रखा है, स्टूडेंट को सबसे पहले इन चीज़ों को पहले ही नोटिस कर लेना चाहिए। और देखिए क्या दे रखा है, कह रहा है कि उन्होंने डिसाइड किया कि डिसॉल्व कर रहे हैं फॉर्म, और सृजन को अपॉइंट किया कि भाई असेट्स तू बेच और लाइबिलिटी को डिस्चार्ज कर, सृजन को रिसीव मिलनी है 5% कमीशन ऑन सेल ऑफ असेट्स, एंड उसको जो है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बियर करने हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, 5% कमीशन उसको असेट्स पे मिलनी है, कैश में नहीं मिलनी, और मगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस सारे उसको बियर करने हैं,
असेट्स कैसे रिलाइज की गई, देखो ऐसे बिकी, प्लांट बिका 85,000 का, स्टॉक बिका 33,000 का, डेटर इतने के, और इन्वेस्टमेंट 95% बुक वैल्यू की, और फर्म को कह रहे 7500 रुपये आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल के देने हैं जो पहले बुक में नहीं दिखाए हुए थे। एक कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है, फर्म ने जो है बिल डिस्काउंट कराया हुआ था, अचानक से उसकी पेमेंट देनी पड़ेगी, कोई डिफॉल्ट हो गया उसके लिए 15,000 देने पड़े, एक्सपेंसिस 3,000 रुपये हैं। अब देखो यहाँ एक्सपेंसिस का स्टूडेंट कुछ नहीं करना, क्योंकि सृजन ने बियर करने की बात कर ली थी कि मैं भरूंगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे कमीशन दे दो, तो अब ये सृजन अपने घर से पे करता रहेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से कहीं नहीं दिखाएंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने यहाँ से पहले क्या करा, असेट ट्रांसफर कर दी, ये प्लांट ये कर दिए, सारे असेट ट्रांसफर कर दिए, ये टोटल असेट ट्रांसफर हो गई, ये लायबिलिटी ट्रांसफर कर दी, जो क्वेश्चन में गिवन थी हमें, जो भी लायबिलिटी गिवन थी हमने, क्रेडिटर बीपी ये ट्रांसफर कर दिए। अब देखो असेट्स को बेच रहे हैं यहाँ पर, ये असेट के प्लांट दे रखा है 85,000 का बिक रहा है, स्टॉक 33,000 का बिक रहा है, डेटर 47,000 के बिक रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट 95%, मतलब इसका 95% निकाल लो, ये 231,500 के टोटल जो है बिक रहे हैं। अब हमें पता है सृजन को जो कमीशन देनी है, ये नुकसान है तो टू सृजन कैपिटल, ये कमीशन दो इसको 231,500 का 5%, ये 11,575 रुपए सृजन को कमीशन मिलने, क्योंकि उसने असेट्स रिलाइज किए, ऐसा क्वेश्चन में गिवन था। अब देखिए लायबिलिटी जो पे करनी है, आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल के बारे में पेमेंट के लिए दे रखा है, बिल डिस्काउंटेड जो कराया था डिसऑनर्ड हो गया या जो भी हो गया बैंक को, हमें पे करना है। क्रेडिटर बीपी और आउटस्टैंडिंग सैलरी के बारे में नहीं दिया, मगर हम अपने आप पे करेंगे तीनों को, क्योंकि हमें पता है लायबिलिटी ना भी गिवन हो हमें अपने आप पे करना पड़ता है, ये हमने पेमेंट दे दी, ठीक है। इसके बाद देखो आप अपना यहाँ से टोटल कीजिए, ये साइड ज़्यादा आ रही है, टोटल ये है, इसको करके जो भी है ये लॉस आ गया। पार्टनर की रेशो क्या दे रखी है, रेशो देखिए इधर क्वेश्चन में दे रखी है 2:1, इस रेशो में हमने लॉस को बांट दिया, ठीक है जी। इसके बाद हमने क्या करा, हमने अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, देखिए इनके कैपिटल के बैलेंस दे रखे हैं, ये देखो 2,00,000-1,50,000 ही, और इसका मनन का कैपिटल नेगेटिव में दे रखा है, तो इसका बैलेंस यहाँ डाल दिया। देखिए सृजन को कमीशन मिली थी इसकी, इधर पोस्टिंग होके यहाँ पर आगे 11,575, ठीक है जी। और देखो यहाँ पर एक एक्युमुलेट लॉस दे रखा है, ये 80,000 का लॉस 2:1 में आप ये बांट दीजिए, 32, 32, 16, ठीक है। रियलाइजेशन का लॉस आया था ये जो हमने पीछे निकाला था वो यहाँ बांट दिया। अब जो भी डिफरेंस आएगा वो फाइनल सेटलमेंट होगा, कोई पार्टनर लेके आएगा, अब इनका ये ज़्यादा है तो ये पार्टनर की क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो यानी ये लेके जा रहा है, रमन की भी साइड ज़्यादा है तो ये रमन इतने पैसे घर लेके जा रहा है, मगर इसका बैलेंस जो पहले नेगेटिव चल रहा है तो मनन का डेबिट साइड ज़्यादा है तो ये पैसे ये घर से लेके आएगा। इसकी आप क्रॉस पोस्टिंग कर दीजिए, बैलेंस देखिए बैंक का बैलेंस कितना दे रखा है 10,000, आपका 10,000 बैलेंस दे रखा है। असेट्स रिलाइज हुई थी 231,500, वहाँ से पोस्ट होकर आगे रिलाइजेशन अकाउंट से। मनन ये 66,515 रुपये लेके आ रहा है, ये यहाँ से लायबिलिटी जो हमने बेची थी 1,72,500 आप पीछे देख सकते हैं, आपको पीछे दिखाई थी 1,72,500, ठीक है। सृजन की कैपिटल की पेमेंट जो उसको घर लेके जा रहा है ये दी, और ऐसे ही रमन की दी, इस तरीके से आपका बैंक अकाउंट मैच हो जाएगा, और बैंक अकाउंट का बैलेंस आप मैच कर लीजिए 3,08,015, और कैपिटल के भी जो बच्चे बैलेंस मैच करना चाहते हैं तो देख लीजिए। फाइनल सेटलमेंट जो है सृजन 98,545 रुपये लेके जाएगा, रमन 36,970 लेके जाएगा, लेकिन जो मनन है वो 66,515 रुपये लेके आएगा इस तरीके से। और जो रियलाइजेशन का आपका लॉस का आंसर था वो 2,02,575 रुपये है, 2,02,575। तो ये क्वेश्चन यहाँ खत्म होता है, इसके बाद ऑप्शन वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब आज ये जो इसका ऑप्शन में क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दे दिया, बच्चे ध्यान नहीं देते, वो देखते हैं कि भैया हमने अपना ये कर रखा है डिसोल्यूशन तो उसको अटैम्प्ट करते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ईजी दे रखा है, ये फंडामेंटल चैप्टर से दे दिया। मोली भोला और राज तीन पार्टनर हैं, 3:3:4 की रेशियो में बांटते हैं, कह रहा है कि इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना है, ड्राइंग पे 12% लगाना है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन 6% लगाना है, और मोली को एनुअल सैलरी देनी है 4,000 रुपये एनुअल सैलरी है, भोला को कमीशन देना है 10% नेट प्रॉफिट जो भी P&L अकाउंट में आएगा, और राज को गारंटी मिली है 1,50,000 रुपये आपको सभी एडजस्टमेंट करने के बाद, जो भी ये डीड में ऊपर लिखे करने के बाद मिलेंगे। उनकी फिक्स कैपिटल दे रखी है, ये तीनों की कैपिटल दे रखी है, और 1 अप्रैल को भोला ने अपनी फर्म को 1,00,000 का लोन भी दिया है, और नेट प्रॉफिट जो है किसी भी इंटरेस्ट से पहले 3,06,000 है। तो ध्यान रखो जो इंटरेस्ट से पहले 3,06,000 रुपये है वो आप जो है ये देखिए 3,06,000 को आप पहले इंटरेस्ट और लोन काट देंगे 6%, देखिए क्या रखा है क्वेश्चन में 6%, तो 6,000 जो 1,00,000 का लोन दिया है तो प्रॉफिट कितना रह गया 3,00,000 रुपये, प्रॉफिट कितना रह गया जी 3,00,000 रुपये, ठीक है। तो आप यहाँ क्वेश्चन 3,00,000 से स्टार्ट करेंगे, ये क्वेश्चन 3,00,000 से स्टार्ट किया, और हमने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया फिक्स कैपिटल पे है,
ये 25,000, 40,000 और 20,000 ये आप इनकी कैपिटल में निकाल सकते हैं, बहुत सिंपली निकाल सकते हैं। भोला को करंट अकाउंट पे, भोला की सब एंट्री जो है करंट अकाउंट से कैपिटल फिक्स दे रखी है, ठीक है जी। सैलरी देखो मोली की देखिए, तो मोली करंट अकाउंट, इसकी सैलरी 4,000 पे एनुअल बोली हुई थी। भोला करंट अकाउंट कमीशन इस पे बोल रखा है, जो भी नेट प्रॉफिट जो आएगा पीएनएल से वो 3,00,000 रुपए, 3,06,000 नहीं है, 6,000 रुपए जो है इंटरेस्ट ऑन लोन कट गया, तो 30,000 रुपए आ गया, ठीक है जी। अब जो बात है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने की, जो देना है 12%। देखो सबकी ड्राइंग अलग अलग दे रखी है, ये दे रखा है कि भोला ने 5,000 रुपए जो है एट द एंड ऑफ ईच मंथ है, और मोली ने 10,000 रुपए एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, एंड में क्वार्टर में, और राज ने 40,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर है। तो देखो हमने इंटरेस्ट कैसे निकाल रखा है आपको दिखा देते हैं यहाँ पर, ये देखिए भोला की टोटल ड्राइंग होगी 5,000 रुपए 12 महीने की, 6,500 रुपए, तो इस पे 6,500 का 12%, 5.5 महीने का 3,300 रुपए। ऐसी मोली की ड्राइंग जो है वो क्वार्टरली है 10,000, तो 4 क्वार्टर में कितनी होगी 40,000। इसने एंड ऑफ ईच क्वार्टर है आपको पता होना चाहिए, 4.5 महीने का ब्याज लगता है, ये 1,800 रुपये आता है। राज की जो है हर 6 महीने बाद ड्राइंग है एट द एंड, तो उसने 2 बार किए 40,000, तो ये हो गई 80,000 रुपये, तो इसका इंटरेस्ट जो है वो 3 महीने का लगता है एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर हो तो कितने महीने लगता है 3 महीने, ये 2,400 रुपये हो गया, ठीक है जी। तो अब आप ये देखिए हमने यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो सब निकाला है ये यहाँ पुट कर दिया, इसके बाद ये टोटल करके आपने ये लेस करके जो है प्रॉफिट निकाल दिया। प्रॉफिट बांटने के लिए अब गारंटी भी दे रखी है, आप इस प्रॉफिट को बांटते हैं तो पहले प्रॉफिट आते हैं 79,500 और 1,06,000। अब आपने राज को गारंटी 1,50,000 रुपए की क्वेश्चन में दे रखी है, गारंटी कितनी दे रखी है राज को कि भैया 1,50,000 रुपए जो है राज को मिलेंगे, ये दे रखी देखिए कि ये राज की 1,50,000 रुपए जो है राज को गारंटी। अब आप यहाँ देखिए क्वेश्चन में देखिए 1,50,000 की गारंटी है, हिस्से में आ रहे हैं 1,06,000 रुपए, तो देखिए 1,06,000 आ रहे हैं, 1,50,000 की गारंटी, कितनी शॉर्टेज लगी इच वाले, तो कौन भरेंगे, कुछ क्वेश्चन में दिया तो मोली और भोला अपनी रेशो 3:3:2 है, तो उनकी 3:3 में यानी कि इक्वल 1:1 22 वो भरेगा, तो 22,000 रुपये इनमें से लेस कर दीजिए आपने, ये प्रॉफिट नेट में इसका बच गया, ये नेट इसका बच गया, 22,000 इसमें जोड़ दी, इसको गारंटी मिले ये मिल गया। इसके बाद देखिए इसका कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट बनाने के लिए भी बोल रखा है आपको, ठीक है ना, तो करंट अकाउंट आप बना लीजिए, करंट अकाउंट के बैलेंस दिए नहीं हुए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकला क्रेडिट कर दिया, सैलरी जिसकी मोली की क्रेडिट कर दी, कमीशन जिसकी है भोला की क्रेडिट कर दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन है उसको भोला को क्रेडिट कर दिया, प्रॉफिट जो हिस्सा आया जो आफ्टर गारंटी वो हमने क्रेडिट कर दिया, जो ड्राइंग की तीनों ने वो हमने डेबिट कर दी, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है डेबिट कर दी, और जो भी नेट में आंसर आया बैलेंस शीट ही हमने निकाल दिया। तो दोस्तों अब लास्ट ये इस फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, कंपनी का क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनाया है, कह रहे हैं एक्स लिमिटेड ने इनवाइट की एप्लीकेशन 50,000 इक्विटी शेयर, इसमें पैसे ऐसे मंगवाए एप्लीकेशन पे 2 रुपये मंगवाए, अलॉटमेंट पे 2 रुपये, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपये, और बाकी आपके सामने सेकंड और फाइनल कॉल पे कितने बच गए 2,2,4,3,7,3 रुपये बच गए, तो यहाँ पर कितने पैसे हैं 3 रुपये। तो कह रहे हैं एप्लीकेशन मगर 70,000 शेयरों की आ गई है, और एप्लीकेशन 10,000 शेयर को तो रिजेक्ट कर दिया और बाकी के पैसे उनके पैसे जो है रिफंड कर दिए हैं, और बाकी की एप्लीकेशन बाकी कितनी रह गई 60,000 रह गई, उनको कह रहा है प्रोराटा, मतलब 60 को जो देने थे 50 वो दे दिए, और एक्सेस मनी जो भी एप्लीकेशन के साथ आएगी उसको जो है अलॉटमेंट और कॉल पे एक्स्ट्रा एडजस्ट कर सकते हो जितना बचते हैं, क्वेश्चन बोल रहा है ऐसा। कह रहा है गोपाल जिसके पास 600 शेयर जिसने मांगे थे उसने अपने सारे पैसे एप्लीकेशन के साथ भेज दिए। देखो क्वेश्चन इसी पॉइंट को लेकर दोस्तों क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, और साथ ही साथ एक घोष एक बंदा है जिसने 6,000 शेयर अप्लाई किए थे उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, और उसके बाद उसके शेयर इमीडिएटली अलॉटमेंट के बाद जब्त कर लिए गए, ये शेयर रीशू भी तभी एकदम सुल्तान को बेच के 20,000 रुपये में उसी समय 4 रुपये पर शेयर रीशू भी कर दिए, मतलब अलॉटमेंट के बाद जब्त किए उसी के बाद ही रीशू कर दिए, और फर्स्ट कॉल उसके बाद सेकंड कॉल हुई और सारे पैसे कॉल्ड हुए और रिसीव हो गए। आपको कह रहा है एंट्री कीजिए, कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरिया अकाउंट जरूर खोलना है, तो ज़रा ध्यान से देखना क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। हम एक टेबल बना लेंगे कि आप एप्लीकेशन मनी कैसे एलोकेट करेंगे, देखो यहाँ शेयर अप्लाइड शेयर अलॉटेड एप्लीकेशन कितने पैसे रिसीव हुए उसमें से आपने एडजस्ट कितने किए, कितने पैसे आप अलॉटमेंट पर एडजस्ट करेंगे, कितने फर्स्ट कॉल पे, कितने सेकंड कॉल पे, और कितनी मनी रिफंड करेंगे। तो देखो 10,000 को कुछ नहीं दिया, इनके पैसे 20,000 रिसीव हुए थे क्योंकि एप्लीकेशन मनी कितने रुपये की है 2 रुपये की, सीधा कहीं पैसे एडजस्ट नहीं होंगे, वापस कर दीजिए पैसे, इसको शेयर नहीं दिए उसके पैसे वापस कर दो। 60,000 बाकी शेयरों को 50 दिए हैं, तो इनके पैसे 60,000 के कैसे आए, 60,000 इंटू 2 कैसे आए 1,20,000 रुपये। मगर एक बंदा ऐसा है, देखो क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है, एक बंदा कौन है गोपाल, अप्लाइड कर रहा है 600 शेयर,
अप्लाइड कर रहा है, तो आप जरा ये चेक कर लो कि भाई गोपाल को शेयर मिलते कितने हैं। ये देखो गोपाल को शेयर मिलते हैं 500, कितने शेयर मिलते हैं 500 शेयर। तो आप ये देखो कि जो गोपाल के एडवांस पैसे हैं रिसीव तो पूरे होंगे आगे भाई, एप्लीकेशन के 2+8 रुपये आगे के एडवांस, तो 8 रुपये यहाँ पर प्लस 120,000 के साथ 8,008 रुपये और आएंगे, तो ये टोटल पैसे जो है 144,800 रुपये। अब देखो 50 से आपने 60,000 शेयर जिन्होंने अप्लाई किए थे उनके पैसे जो है 120,000 रुपये आए, मगर एडजस्ट जो है 50,000 के 2 रुपये के हिसाब से कितने हुए 1,00,000 रुपये एक्स्ट्रा पैसे कितने हो गए 20,000। और साथ ही साथ ये 800 रुपये उसके भी एडजस्ट होंगे, किसके, जिसकी यहाँ बात हो रही है क्वेश्चन में, किसके, क्या नाम है इसका, ये जो गोपाल का, देखिए कैसे एडजस्ट होंगे ये भी बताया 800 रुपये। मेन क्वेश्चन में पॉइंट ही यही था, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे एडजस्ट होंगे। देखो आपको ये पता चला कि जो एक्स्ट्रा पैसे आए वो 20,000 आए, कितने शेयरों पे, 50,000 शेयरों पे, यानी पर शेयर 40 पैसे पर शेयर एडवांस चला एप्लीकेशन का एक्स्ट्रा पैसा, तो गोपाल का भी आया होगा, मगर गोपाल ने आगे के सारे पैसे भेजे, तो यानी कि 2 रुपये की अगली कॉल है तो 40 तो उसके पहले आए हुए, तो ऑलरेडी और एक्स्ट्रा कितना है 1.60 रुपये पर शेयर, तो ये कितने एडवांस पैसे आए अलॉटमेंट पे गोपाल के, 500 शेयर इसको मिले 1.60, 800 रुपये एक्स्ट्रा और आए हैं। तो मैंने क्वेश्चन में यही दिखाया हुआ है, आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये 800 रुपये, तो जो अमाउंट अलॉटमेंट पर एडजस्ट होगा वो 20,000 800 रुपये एडजस्ट होगा, और गोपाल के आगे तक के सारे पैसे आए हुए हैं, 500 शेयर उसको मिले हैं, 3 रुपये की फर्स्ट कॉल है, ये 1500 यहाँ भी इसके आए हुए हैं गोपाल के, सेकंड कॉल भी कितने की 3 रुपये की, 1500 यहाँ भी आए हुए हैं, और गोपाल का 100 शेयरों का पैसा आपको वापस करना पड़ेगा क्योंकि उसने मांगे 600 शेयर थे मगर मिले उसको 500 शेयर हैं, तो 100 के जो 10 रुपये आप उसको डायरेक्ट वापस कर दीजिए। अब आपके सामने हर कॉलम का टोटल आ गया, एंट्री देखिए बनाएंगे, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितने पैसे आए 144,800, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 144,800 में से शेयर कैपिटल के कितने पैसे हैं 1,00,000 रुपये, ये रहे कॉल्स इन एडवांस कितने हैं एडवांस, ये सारे एडवांस है 20,800 + 1,500 + 1,500 कितने हो गए 23,800, बैंक में कितने पैसे वापस दिए आपने 21,000, ये एंट्री यहाँ पर क्लियर हो जाती है। अगली कॉल ड्यू कीजिए, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने पैसे हैं 50,000 शेयर हैं, 2 रुपये की ये है, कितने पैसे हो गए 1,00,000 रुपये, कितने हो गए 1,00,000 रुपये। अब देखिए पैसे कैसे आएंगे, यहाँ पर ये एक जो बंदा है घोष 6,000 शेयर जो मांगता है यहाँ पर पैसे नहीं दे रहा। देखो आपको पता है एप्लीकेशन पे जो एक्स्ट्रा पैसे लोग भेजते हैं यदि वो अलॉटमेंट ना दे तो आपको एक वर्किंग नोट्स निकालना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि कितने पैसे उसके एक्स्ट्रा आए थे और अलॉटमेंट को उसने कितने नहीं दिए। तो देखिए मैं यहाँ पर एक वर्किंग नोट्स आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए घोष ने अप्लाइड कितने शेयर किए 6,000, मगर इसको अलॉट कितने होंगे, रेशियो जो है 6:5 का है, तो 5/6 इसके कितने शेयर हैं 5,000 शेयर, कितने 5,000 शेयर। अब देखो घोष ने एप्लीकेशन मनी कितनी भेजी, उसने मांगे 6,000 शेयर, तो 6,000 शेयर के पैसे भेजे गए 12,000 रुपये, 6×2 एप्लीकेशन 2 रुपये की है, मगर उसके एडजस्ट जो है उसको मिले 5,000 शेयर है वो 10,000, एक्स्ट्रा पैसे 2,000 हो गए। घोष की अलॉटमेंट मनी कितनी बनती है, 5,000 शेयर मिले हैं उसको, ध्यान रखना 2 रुपये 10,000 रुपये, एक्स्ट्रा मनी जो पहले आई है वो लेस कर दो क्योंकि घोष ने अलॉटमेंट नहीं दी मगर दो तो ये पहले आए हुए लेस कर दी, तो घोष ने अलॉटमेंट कितने नहीं दिए 8,000 रुपये, बनते 10 थे मगर दो पहले आए हुए तो 8 नहीं दिए। अब हम देखते हैं हमारे अलॉटमेंट में कितने पैसे आते हैं, तो हमारे टोटल अलॉटमेंट में 1,00,000 बनते हैं जिसमें से मनी पहले ही रिसीव्ड जो ऑलरेडी हो चुकी है वो 20,800 आपको मैंने टेबल में दिखा दिया था, 20,800 रुपये पहले ही रिसीव हो चुकी है, और ये देखिए और 8,000 रुपये घोष के जो यहाँ पर अलॉटमेंट नहीं आए, तो टोटल 71,200 रुपये आए हैं। तो आप जब यहाँ एंट्री करेंगे तो 71,200 की करेंगे, कॉल्स इन एडवांस जिन्होंने पहले ही भेज रखे हैं, किसने भेज रखे हैं गोपाल ने, कितने पैसे जो कॉल गोपाल ने और सबने जो भी भेज रखे कितने पैसे भेज रखे हैं, आपने जो टेबल में आपने देखा था 20,800 रुपये कॉल्स इन एडवांस के नाम से आएंगे, और जो कॉल्स इन एरिया है घोष के कितने पैसे भी निकाले हैं 8,000 रुपये, और ये आ गया टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 1,00,000 रुपये। अब यहीं इसके शेयर जब्त करने, किसके, घोष के शेयर है 5,000, अभी कैपिटल कॉल्ड अप 4 हुई है, देख लीजिए क्वेश्चन में अभी कैपिटल जो कॉल्ड अप हुई है 2 और 2 4, इसी के बाद जब्त कर लिए, तो 5,000 × 4 20,000 जिसमें इसके पैसे आप जब्त करेंगे, इसने आज तक पैसे कितने भेजे थे, हाँ जी पैसे कितने भेजे थे आपको नोट्स में दिखाया हमने, ये देखिए इसने घोष ने पैसे कितने भेजे हैं आपको, आज तक पैसे इसने भेजे हैं ये देखिए
6000 शेयर मांगे थे, 2 रुपए के हिसाब से 12000 भेजे, तो आप यही तो जब्त कर सकते हैं, इसके 12000 जब्त कर लीजिए। और इसका कॉल सिनेरियो कितना है, अभी हमने पीछे निकाला 8000 रुपए। इसके शेयर रीइशू भी कर दिए, ये पूरे 5000 के 5000 शेयर उस बोल रहे 20000 रुपए में रीइशू कर दिए, तो मतलब 4 रुपए के हिसाब से कर दिए। और कैपिटल भी कितनी है, 4 रुपए कॉल्ड अप, तो 20000, ये हो गया काम खत्म। हाँ जी दोस्तों, तो रीइशू करने के बाद आप इसका जो है घोष का अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दीजिए, ये पूरे 12000 का 12000 रुपये यहाँ पर अमाउंट जो है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि लॉस तो कुछ हुआ ही नहीं, 20000 का सामान आपने 20000 बेच दिया, आपको कोई लॉस नहीं हुआ, मगर आपने जो है घोष के 12000 रुपये जो है फोरफिटेड में पैसे कमाए थे। उसके बाद अगली एंट्री देखिए, एंट्री बीच में स्किप हो गई थी, उसके बाद देखिए फर्स्ट कॉल ड्यू कीजिए 50000 शेयर, क्योंकि रीइशू हो गए, जो शेयर जब्त हुए थे वो शेयर रीइशू हो चुके, अब दोबारा कंपनी के 50000 शेयर हो गए। फर्स्ट कॉल ड्यू कीजिए 3 रुपए की, 50000 × 3 1.5 लाख, और पैसे जो हैं आएंगे 1,48,500, क्यों, क्योंकि आपको पहले दिखा दिया था कॉलम में 1500 रुपये कॉल्स इन एडवांस, जो गोपाल है उसने पहले ही सारे पैसे एडवांस भेज दिए, 500 शेयर के 1500 कॉल्स इन एडवांस, और बाकी 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। ऐसे ही शेयर सेकंड कॉल ड्यू कीजिए, और जब पैसे आएंगे तो आपके जो है उसी तरीके से सेम जैसे फर्स्ट कॉल क्या है, पैसे बैंक अकाउंट डेबिट 1,48,500, कॉल्स इन एडवांस 1500, 2 इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों फिनिश हो जाता है। तो अब देखो 70 रुपये का ऑप्शन वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। कह रहे हैं लिमिटेड ने कंपनी ने 1,00,000 शेयर जो है 10 रुपये का ईच है, 1 रुपये प्रीमियम पर इशू करना चाहती है, एप्लीकेशन पे 3 रुपये, अलॉटमेंट पे 3 रुपये, यहाँ पर प्रीमियम इंक्लूड है, यानी 2+1, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपये और सेकंड कॉल पे बैलेंस अमाउंट। अब अपने आप निकाल लो, 10 का शेयर 1 रुपये प्रीमियम 11 रुपये बनते हैं, 3, 3, 6 और 3, 9, और 2 रुपये जो है आपका यहाँ पर आ जाएगा। कहता है कंपनी के पास एप्लीकेशन 1,50,000 शेयर की आ गई, मगर एप्लीकेशन ऐसे दी है कंपनी ने, 90,000 शेयरों को 40,000 दिया है, 50,000 शेयरों को 40,000 शेयर दिए हैं, और बाकी 20,000 को 20,000 दे दिए। देखो हम इसको देखकर एक टेबल बना लेते हैं, कि ये देखिए टेबल शोइंग वही जैसे पिछले क्वेश्चन बनाया था, कि ये कैटेगरी लिख ली, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी, 90 को 40 दिए हैं, 50 को 40 दिए हैं, 20 को 20 दिए हैं, और कंपनी ने क्वेश्चन में लिख भी दिया है कि एक्स्ट्रा पैसा जो भी आएगा एप्लीकेशन पे उसको अलॉटमेंट और कॉल पे आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आपने 90,000 का 3 रुपये के हिसाब से 2,70,000 आया, मगर एडजस्ट 40 हिसाब से 1,20,000 आया, आपके पास जो एक्स्ट्रा पैसे हैं वो 1,50,000 है, मगर अगली कॉल पे आपके फिर 1,20 बनते हैं, आप 1,20 एडजस्ट करेंगे, इसके बाद भी आपके 30,000 रुपये बचते हैं, तो आप 30,000 रुपये अगली फर्स्ट कॉल पर आप पैसे जो हैं एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली 50,000 शेयर तो देखिए आपने 40,000 दिए थे, 50 ने भी इस तरीके से पैसे दिए 1,50,000, एडजस्ट हुए 40 थी 1,20, एक्स्ट्रा 20 हैं, तो 20 बनते जब बहुत ज़्यादा हैं, तो 20 एक्स्ट्रा जो 30 बचे हैं आपके 30,000 रुपये ही एडजस्ट होंगे, सॉरी यहाँ पर 30,000 बचते हैं, 30,000 रुपये एडजस्ट होंगे। सिमिलरली 20 को 20 दिए, 60,000 उन्होंने भेजे, 60 लग गए, ये टेबल का टोटल कर लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन को, तो एंट्री करनी शुरू करते हैं। देखिए ये मैं इसको यहीं पर रख लेता हूँ, तो ये टोटल जो है आपका कितने पैसे आए हैं, 4,80,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 4,80,000, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 4,80,000, टू शेयर कैपिटल 3,00,000, और टू कॉल्स इन एडवांस 1,80,000। आप देख सकते हैं कैपिटल के 3,00,000, और ये दोनों एडवांस हैं, जो एप्लीकेशन पे अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल का पैसा आ गया वो क्या है, एडवांस है, ठीक है। तो अगली कॉल पे देखिए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट 3,00,000, ये भी शेयर वही है आपके, 1,00,000 × ये कॉल 3 रुपये की है, मगर कैपिटल में 2 रुपये, क्योंकि 1 रुपये प्रीमियम है, और 1 रुपये जो है प्रीमियम के नाम से, 1,00,000 × 1 रुपये प्रीमियम। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में पढ़ने लायक बात है, कहता है कि ऋषभ जो जिसने 1500 शेयर मांगे थे और वो कैटेगरी 2 में था, उसने अलॉटमेंट नहीं दी, अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, सेकंड कॉल भी नहीं दी। अब देखिए फिर वही एक्स्ट्रा पैसा भेजने वाला, यदि अगली कॉल पे पैसे नहीं भेजेगा एप्लीकेशन के, तो उसके वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे। सिमिलर इस क्वेश्चन में भी वर्किंग नोट्स उसी तरीके से बनाएंगे, ये देख लीजिए आप। देखिए ऋषभ जो था कैटेगरी 2 में था, जिसमें अप्लाइड अलॉटेड का रेशियो 5:4 है, यानी ऋषभ ने जो अलॉट शेयर है उसके वो 1200 है, मांगे उसने 1500 है, मगर पैसे जो है 1500 के हिसाब से कितने भेजेगा, 1500 × 3 4,300, मगर एडजस्ट होंगे 1200 × 3 3,600, तो एक्स्ट्रा पैसा कितना आ गया, 900 रुपये। आगे देखिए ऋषभ के अलॉटमेंट मनी बनती कितनी है, शेयर 1200 ही है उसके बाद 3 रुपये की है 3,600, एक्स्ट्रा पैसे जो आया है 900 लेस कर दो, इसका मतलब ऋषभ ने जो अलॉटमेंट नहीं दी वो कितनी नहीं दी, 2700। अब आप ये देखिए सिमिलरली यहाँ पर नोट्स आगे बना दिया गया है आपके लिए, ये चीज़ चेक करनी है इसके कितने पैसे आए यहाँ पर अलॉटमेंट पे, तो आप ये देख लीजिए टोटल अलॉटमेंट कितनी बनती है, 3,00,000। पहले ही कितने पैसे एडवांस आए हुए हैं एप्लीकेशन पे,
1.5 लाख रुपए तो बच गए 1.5, जिसमें ऋषभ के कितने नहीं आए अभी निकाले हैं 2700 रुपए, तो इसका मतलब 1,47,300 रुपए आपके आएंगे किस पर, अलॉटमेंट पे। यहाँ देखिए एंट्री पास कर दी जाएगी, जो पैसे आए हैं वो 1,47,300 और जो एडवांस में पहले ही है वो 1.5 लाख रुपए, जो कौन सी एरियर है ऋषभ के वो कितने रुपए अभी हमने निकाला 2700, तो 3 लाख रुपए। ऐसे आप फर्स्ट कॉल ड्यू कीजिए, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट 1 लाख इंटू अभी क्योंकि जब्त नहीं हुआ है टू शेयर कैपिटल 3 लाख रुपए, ठीक है जी। अब यहाँ पर जो पैसे आएंगे, यहाँ पर एक पर्सन और आ जाता है सुधा, जिसने 1800 शेयर, वो कैटेगरी 1 में है, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी और सेकंड और फाइनल कॉल नहीं दी। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा फिर प्रॉब्लम है क्वेश्चन में, तो क्या है क्वेश्चन की फिर वर्किंग नोट पे आ जाते हैं हम। देखिए हाँ जी ये देखिए, ये अप्लाइड और अलॉटेड का रेशियो जो है फर्स्ट कैटेगरी में 9:4 है, यानी सुधा ने जो 1800 शेयर मांगे मगर उसको मिले कितने शेयर हैं 800 शेयर। तो आप चेक कीजिए कि सुधा ने एप्लीकेशन मनी कितनी भेजी होगी, 1800 की 3 के हिसाब से 5400, मगर उसकी एप्लीकेशन मनी एडजस्ट उसको 800 शेयर मिले 2400, एक्स्ट्रा पैसे कितने हो गए 3000। सुधा का चेक करो अलॉटमेंट मनी कितनी बनती है, 800 × 3 2400, एक्स्ट्रा ही 3000 है, तो इसका मतलब उसको तो अलॉटमेंट कुछ पैसा भेजना ही नहीं था और उल्टा इतने पैसे एक्स्ट्रा कि 600 फिर बच रहे हैं। तो सुधा की फर्स्ट कॉल चेक कीजिए, 800 × ये भी 3 रुपए की 2400, तो 600 बच रहे हैं वो लेस कर दो, इसका मतलब सुधा ने जो है फर्स्ट कॉल पे कितने पैसे नहीं दिए 1800 रुपए नहीं दिए, कितने पैसे नहीं दिए 1800। अब हमें चेक ये करना है कि हमारे पास फर्स्ट कॉल पे कितने पैसे आए हैं, ठीक है जी। ये देखिए, तो देखिए फर्स्ट कॉल पे कितने पैसे आए, 3 लाख बनते थे। अमाउंट जो ऑलरेडी रिसीव था फर्स्ट कॉल का, जो टेबल में देखा था फर्स्ट कॉल में 30,000 था। सुधा ने फर्स्ट कॉल पे कितने नहीं दिए, अभी हमने आपको बताया 1800 रुपए, और ऋषभ ने भी जो नहीं दिए, ऋषभ ने अलॉटमेंट भी नहीं दी, फर्स्ट भी नहीं दी और सेकंड नहीं दी, तो यहाँ फर्स्ट कॉल के पैसे तो चल रहे हैं, तो उसने भी 3600 नहीं दिए, तो टोटल जो पैसे हैं 2,64,600 रुपए जो है वो आएंगे। तो फ्रेंड्स जब यहाँ पर पैसे आएंगे फर्स्ट कॉल पे, तो देखो मैंने आपको दिखा दिया 2,64,600 रुपए, कॉल्स इन एडवांस जो पहले से ही आए हैं एप्लीकेशन के टाइम पे वो 30,000 रुपए हैं, और जो कॉल्स इन एरियन है दोनों के मिला के, किनके मिला के, दोनों के, ऋषभ के भी और सुधा के भी, वो 5400 रुपए हैं, तो ये 3 लाख रुपए इस तरीके से पूरे हो जाते हैं। ऐसे ही आप शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू कीजिए, 1 लाख × ये मैंने आपको दिखाया था डिफरेंस 2 रुपए की 2 लाख, और यहाँ पर भी उन दोनों के पैसे नहीं आए, दोनों के शेयर बनते कितने हैं भाई, एक के शेयर है 1200 और एक के 800, तो 2000 शेयर हैं, 2 रुपए नहीं आए, तो कॉल सी नहीं रहे 4000, 1,96,000 आए, 2 में से कितने हैं 1,96,000। अब कह रहे हैं दोनों के शेयर जब्त कर लीजिए, तो कर लो भाई, 2000 शेयर × 10 रुपए पूरी कॉल डब होगी 20,000। देखो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व किसने नहीं दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व खाली ऋषभ ने नहीं दिया, ऋषभ के शेयर कितने थे 1200, तो 1200 × 1 खाली 1200 उसने दे दिया, क्योंकि उसका सारा पैसा आ चुका था, आपको पता है अलॉटमेंट का सारा पैसा सुधा का आ चुका था, इतने पैसे एक्स्ट्रा थे उसके के सारे पैसे आ चुके थे। और शेयर फोरफिटेड में आप देख लीजिए कि किसके पैसे कितने आए हैं, देखिए फोरफिटेड में आपको मैं दिखाता हूँ, नोट्स में दिखा सकता हूँ, फोरफिटेड में जो है 4500 रुपये ऋषभ के हैं और 4600 रुपये सुधा के हैं। 4500 रुपये कैसे हैं, उसने 1500 शेयर मांगे थे, 3 रुपये भेजे थे, तो ये पूरे जब्त हो गए, और ऋषभ ने 5400 रुपये, सॉरी सुधा ने 5400 रुपये भेजे थे, टोटल कितने भेजे थे 1800 शेयर मांग के 5400, मगर उसमें उसका 800 रुपये का प्रीमियम इंक्लूड था, 800 रुपये क्योंकि 800 शेयरों का, तो उसके पैसे आप कितने जब्त कर सकते हो 4600 रुपये, तो आप कितने में जब करेंगे 9100। और जो कॉल सीन एरियर आप सारा कॉल सीन एरियर जोड़ते हो, देख लीजिए आप ऊपर से देख लीजिए, कॉल सीन एरियर यहाँ 5400 था, यहाँ पर उससे पहले आपका 2700 था, ठीक है ना, ये आपका कॉल सीन एरियर एक बार 5400 था, एक बार 2700 था, और एक बार ये आपका जो है ये 4000 रुपये था, ये जोड़ते हो मेरे भाइयों तो ये 1200 बनते हैं। इसके बाद कंपनी कहती है कि ये सारे शेयर रीइशू कर दिए 7 रुपये के भाव से, तो बैंक डेबिट 7, लॉस जो हुआ 2000 शेयरों पे 3 रुपये का, तो शेयर कैपिटल 20,000, और लास्ट एंट्री जो आप कर देंगे वो कैपिटल रिजर्व की एंट्री कर देंगे, हाँ जी, तो
देखिए कैपिटल रिजर्व की एंट्री कितनी हो गई, आपने देखा टोटल 12,100 रुपये, 9,100 रुपये जो है आपका फोरफिटेड का अमाउंट था टोटल, और सारे के सारे शेयर रीइशू कर दिए, जिसमें से 6,000 रुपये का जो है घाटा रीइशू के टाइम पे फोरफिटेड के नाम से हो गया। तो फोरफिटेड का कैपिटल रिजर्व में 3,100 रुपये आप ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता है। तो अपने अपने आंसर आप मैच कर सकते हो, बाकी किसी को कंफ्यूजन हो तो आप सजेशन के लिए नीचे मेरे पास कमेंट में भी डाल सकते हो। ओके जी।